नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं रतांभरा आपके साथ। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई है। राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्य को संबोधित किया। अपने अभिभाषण की शुरुआत में उन्होंने सदन के सभी सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से बिहार के विकास के लिए तय की गई योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अभिभाषण के अंत में उन्होंने सदन के सभी सदस्य का धन्यवाद किया, साथ ही ये अपील की कि सभी शांतिपूर्ण और मर्यादित तरीके से सदन की कार्यवाही चलने दें। बजट सत्र की आज की कार्यवाही स्थगित हो गई है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मैट्रिक के प्रश्न पत्र को लीक होने का मामला उठाया। जैसे ही सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करने की घोषणा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा करने जा रहे थे, वैसे ही तेजस्वी यादव अपनी जगह पर उठ खड़े हुए और मैट्रिक की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला उठाया। कार्यवाही खत्म होने के बाद सदन के बाहर आकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और उनके शिक्षा मंत्री को यहां तक नहीं मालूम कि मैट्रिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है और सदन में वह चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि इतनी बड़ी तैयारी के बावजूद मैट्रिक का क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हो गया। मंत्री जी भी हैं, शिक्षा मंत्री जी भी हैं और मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है और सोशल साइंस का जो पेपर है वो लीक हो चुका है। अब समझ में नहीं आता कि कौन सा ऐसा पेपर जो है, जो बिहार के कौन सा ऐसे परीक्षा में जो पेपर लीक नहीं होता। संज्ञान दूसरा महोदय संज्ञान में आ गया। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। इस कड़ी में AIMIM के विधायक भी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर विधानमंडल पहुंचे। विधायकों ने कहा कि सीमांचल के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को विस्थापित की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ को गुजरे हुए कई महीनों हो गए, लेकिन इसके बावजूद आज तक सीमांचल के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा सरकार नहीं दे रही है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने 12 फरवरी को सुनवाई की थी और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद सीबीआई ने ऑर्डर शीट जमा करने को लेकर कोर्ट से समय मांगा था। आज लालू यादव के दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। जी, आज लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। अभी तक इसमें कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। सीबीआई ने कोर्ट से कुछ वक्त मांगा था ऑर्डर शीट को जमा करने के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे कैमूर पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिला अधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। चौबे ने कहा कि कोरोना वैक्सीन हनुमान जी का संजीवनी बूटी है, जिले के लेकर पंचायत तक स्वास्थ्य सेवा पर काम करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि भारत सरकार की और राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आज लंबे अरसे के बाद दिशा की बैठक हुई थी और परीक्षाएं चल रही हैं, फिर भी यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा जिलाधिकारी जी ने इस आग्रह को स्वीकार किया और बैठक बहुत ही अच्छे माहौल में सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित और जो भी लोग इसमें। नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों की वर्षों पुरानी सेवा शर्त की मांग को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब नियोजित शिक्षकों पर सरकार ने सख्ती बरती है। राज्य के 3,57,000 नियोजित शिक्षकों की बहाली कैसे हुई, इसके लिए सरकार लगातार प्रदर्शिता लगाने की कोशिश में है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने 1,03,000 ऐसे नियोजित शिक्षकों को अपना फोल्डर वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा था, जिनकी बहाली की जांच निगरानी के जिम्मे है। लेकिन अब शिक्षा विभाग में स्पष्ट कर दिया है
कि सभी 3,57,000 नियोजित शिक्षकों को वेब पोर्टल पर अपना फोल्डर अपलोड करना होगा। अगर किसी नियोजित शिक्षक ने ऐसा नहीं किया तो उसकी बहाली ही अवैध मानी जाएगी। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान मोतिहारी के पिपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय पशु आरोग्य मेला का उद्घाटन करने पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, राज्य सरकार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार, पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी सहित अन्य वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान की आय को बढ़ाना जरूरी है, जिसके लिए राज्य एवं केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों के सहयोग से गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह का अनूठा प्रयोग किया, जिसके आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। मुझे गर्व है कि मैं उन्हीं किसानों की स्वतंत्रता के बीच आज उपस्थित हूँ, जिनमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास। बिहार शरीफ के आदर्श हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा दे रहे एक छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक छात्र एकंगरसराय प्रखंड के तेलहाड़ा थाना क्षेत्र के राडल गांव निवासी स्वर्गीय बढ़न सिंह का 16 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात से ही उसकी तबीयत खराब थी और उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को परीक्षा देने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने छात्र को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलते ही परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, जहां शव को देखते ही चीखने चिल्लाने लगे। और बोल रहे थे कि ये लड़का लिख भी रहा है। अच्छा। और उसके बाद में हम पहुंचे तो देखते लड़का वो बरामदा पर सोया हुआ है। मतलब वहाँ पर कोई देख रेख नहीं हुआ था उसका? हाँ, अब वहीं पर टीचर सब वहीं पर था, डॉक्टर ने नहीं ले गया था वहाँ से। गया के बोधगया थाना क्षेत्र के बासड़ी गांव के पास सड़क दुर्घटना में 2 परीक्षार्थियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑटो पलटने से यह हादसा हुआ है। घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को मगध मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और औरंगाबाद में पुलिस शराब कारोबारियों के खिलाफ एक्शन में नजर आ रही है। औरंगाबाद पुलिस कप्तान सुधीर पोरिका, SDPO अनिप कुमार के निर्देश पर पुलिस ने जंगलों में अवैध रूप से संचालित 15 से ज्यादा छोटे बड़े शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। वहीं पुलिस ने अपने इस ऑपरेशन में 500 लीटर महुआ से बनी शराब को भी नष्ट किया। मधुबनी जिले के जयनगर SDM बेबी कुमारी ने अपने सरकारी अनाज के कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें पिकअप पर लदे 8 बोरी सरकारी अनाज को जब्त किया। छापेमारी के दौरान पिकअप चालक और खलासी फरार हो गए। शेखपुरा के इंडायर मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच पानी गिराने के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। नाली के कारण पानी गिरता था, इसे झगड़ा में। कौन लोग झगड़ा किया? जयचंद कुमार और उदय कुमार छोटे। कितने लोग घायल हुए हैं? 2 लोग घायल। कौन कौन है ये लोग? दोनों भाई है। क्या नाम है? कृष्ण यादव और प्रमोद यादव। चलिए, इस संबंध में कहीं थाना उना भी शिकायत किए हैं? मैं शिकायत अभी नहीं की। और गया जिले के बोधगया प्रखंड के निकसा गांव में किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें खेतों में पानी पहुंचाने के लिए आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन से समाधान निकालने की गुहार लगाई। वहीं मौके पर मौजूद विधायक ज्योति यादव ने किसानों की समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया।
मैं जानता हूँ इसको सैंक्शन करने का डेट है। समारोह किया है कार्यकर्ता सम्मान समारोह, और इसी में आप सब देख रहे होंगे कि तख्ती के माध्यम से लोग एक अपना मांग रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है ये मांग बहुत ही जेन्युइन मांग है और सरकार इस पर गौर करेगी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री होने के नाते मैं यहाँ से जाते ही इसके बारे में अपने मुजफ्फरपुर जिले में DRI टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर एक्शन लेते हुए अगरतला से हाजीपुर जा रहे एक ट्रक से लगभग 1,500 किलो गांजा बरामद किया गया। वहीं इस दौरान टीम ने गांजे के साथ दोनों ट्रक चालकों को भी गिरफ्तार किया है। अरवल जिला के कलियर मनरेगा भवन कार्यालय पर अखिल भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिल भारतीय यूनियन संघ के अध्यक्ष उमेश पासवान ने कलेर कार्यक्रम पदाधिकारी अजय कुमार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि मजदूर संघ पर अत्याचार किया जा रहा है, साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरों को एक दिन 200 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाए और प्रतिदिन 500 रुपए की दर से मजदूरी का भुगतान किया जाए। एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट करने का फैसला किया है। इन बच्चों को अगली कक्षा में तभी प्रवेश मिलेगा जब वे अपनी पिछली कक्षा की पढ़ाई 3 महीने में पूरी कर लेंगे। 3 महीने की इस पढ़ाई को कैचअप कोर्स कहा जा रहा है। इसके जरिए बच्चे को प्रमोट पिछली कक्षा की बेसिक जानकारी दी जाएगी। विभाग ये क्लास मार्च के बीच से ही शुरू कर सकता है।